दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हावी होती नजर आ रही है और कह रही है कि अदालत का फैसला ठोस सबूतों पर आधारित है। आशा करते हैं कि अब उनकी पत्नी जो पार्टी प्रमुख की भूमिका निभा रही हैं और अन्य नेता अब केजरीवाल को सताए जाने की झूठी बयानबाजी बंद कर देंगे। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर भाजपा समेत कई पार्टियों ने टिप्पणी की है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत का फैसला ठोस सबूतों पर आधारित है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिन लोगों ने पीड़ित होने का दिखावा करने की कोशिश की, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो फैसला कोर्ट से आया है वह ठोस सबूतों के आधार पर है, जिसके बारे में ना हमें ना आपको या किसी और को जानकारी है। उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है। अब गुरु क्या लालू प्रसाद यादव है? जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो कम से कम उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कोई भी तुमसे घूस मांगे तो उसका स्टिंग कर लेना। कहाँ है वो स्टिंग भाई? नहीं, इसी मतलब से आपके विधायक ही नहीं बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है हमेशा वो चेहरे से कुछ और, शक्ल से कुछ और नजर आते हैं, और बाखुदा आगे आप खुद समझ पाते हैं। तो वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजे जाने के बाद केजरीवाल के निर्दोष होने के दावों पर विराम लग गया है, और हम आशा करते हैं कि अब उनकी पत्नी जो पार्टी प्रमुख की भूमिका निभा रही है और अन्य नेता अब केजरीवाल को सताए जाने की झूठी बयानबाजी बंद कर देंगे। सत्यमेव जयते। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है, और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए करदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आपको बता दें कि बीजेपी का ये भी आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम अपने बयान में लेकर इन दोनों के राजनीतिक भविष्य पर दाग लगाकर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के अगला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।